हेलो एवरीवन। तो ये जिम कॉर्बेट का मेरा फाइनल व्लॉग था, जहाँ पे हम लोग, ये लास्ट डे था हमारा, दीबाग प्रॉपर्टी में ब्रेकफास्ट करने आई थी। तो ब्रेकफास्ट में काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। ये जो फ्राइड कॉर्न वाला था बहुत अच्छा था, पोटैटो वेजीज अच्छी थी, और बाकी ये डाइट के हिसाब से था, जो कि मैं रेयरली करती हूँ जब मैं हॉलीडेज़ पे होती हूँ। आलू भाजी थी, साथ में इडली थी, पूरी थी, काफ़ी सारे ऑप्शंस है। ये सांभर था खाने के लिए, पोहा वॉज एवरेज, इतना अच्छा टेस्ट नहीं था पोहा का। और लाइव काउंटर में आप चाहे एग बनवाएं, पराठे बनवाएं, कुछ भी आप बनवा के खा सकते हैं यहाँ पे। तो और ये नॉनवेज एरिया था, तो ये तो हमने खाना नहीं था। उसके बाद ये ब्रेड्स का सेक्शन था, काफ़ी सारे केक थे, कपकेक्स थे यहाँ पे, स्प्राउट्स थे, हेल्दी ऑप्शन भी थे, फ्रूट्स थे बहुत सारे। तो मैंने भी थोड़ा बहुत फ्रूट लिया, पहले फ्रूट खाया, मैं हमेशा पहले फ्रूट खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेश फ्रूट खाना। और उसके बाद प्लेट में मैंने थोड़ा थोड़ा सब कुछ लिया था, पोटैटो वेजीज ली थी, कॉर्न की ये जो स्नैक्स है वो लिए थे, पोहा लिया था, एक मैंने परांठा भी लिया था, बट परांठा वॉज नॉट दैट गुड, इतना अच्छा नहीं था। ये पूल की तरफ जा रहे थे हम लोग, हमने सोचा चेकआउट करने से पहले हम लोग थोड़ी देर पूल में सारे इंजॉय करते हैं, तो पूल की तरफ जा रहे थे। आ जाओ आंटी, आप भी स्विमिंग। ब्राइट सनी डे था, काफ़ी अच्छा लगा पूल में जाके, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी, तो प्लेजेंट था वेदर, और काफ़ी अच्छा लगा। बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे हमारे साथ, काफ़ी देर रहे हम पूल में ना, और काफ़ी मस्ती करी हमने। और यहाँ पीयूष सबके साथ मस्ती कर रहे हैं। इट वॉज टाइम टू से गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, और हम लोग रेडी होने के लिए जा रहे थे रूम में। तो अब हम कर रहे हैं चेकआउट फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। एक बार ज़रूर आइएगा, जाते जाते भी कितना प्यारा वेदर हो गया। सो वी आर गोइंग एंड सेइंग बाय to this property. प्रीवियस क्लिप में कुशाल हमारे साथ जा रहा था, नीचे उसने देखा नहीं, उसका बैलेंस बिगड़ा और वो बेचारा बहुत ज़ोर से गिरा, काफ़ी ज़ोर से चोट लग गई थी। और एक हमारे साथ और ट्रेजिक चीज़ क्या हुई, हमारा लगेज जो दूसरे हमारे फ्रेंड्स आए थे उनके साथ चला गया था, हमारा सारा लगेज गलती से होटल वालों ने डाल दिया था और हमें भी पता नहीं चला, और हम इतने टेंशन में थे क्योंकि हमारा सारा कपड़े से लेके एवरीथिंग वाज इन दैट लगेज। सो हम लोग ने चेक इन कर लिया था तारंगी रिजॉर्ट में, थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि आपको प्रीवियसली मैंने बताया था कि किस तरीके से हमारा लगेज मिसप्लेस हो गया था, मिल गया था, एक बैग फिर भी नहीं मिला हमारा, बट ठीक है कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसे। और ये था रूम टूर मेरा, काफ़ी प्यारा रूम था, ये वॉशरूम था काफ़ी सुंदर, और बहुत अच्छे रूम्स थे यहाँ पे तारंगी में भी, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, तो खाना अच्छा था यहाँ का बहुत। तो ये रहा हम दोनों का रूम, ये बेड है, और लाइट भी बड़ी प्यारी सी कोजी कोजी सी लाइट थी। ये एक्स्ट्रा बेडिंग उन्होंने दिया हुआ था अगर कोई एक्स्ट्रा कोई पर्सन होता उसके लिए। और ये थी बालकनी, बालकनी में भी सिटिंग एरिया था, आराम से बैठ सकते हैं, चिल कर सकते हैं, सामने व्यू बहुत प्यारा था हमारी बालकनी से। और ये सामने पूल था, पहाड़ों का थोड़ा सा व्यू था, काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे बैठ के। और एक साथ में एक और रूम के साथ बालकनी थी, सो वी इंजॉयड अ लॉट। और मैं भी जा रही हूँ, अभी रिवर साइड जा रहे हैं हम, ये न्यू रिजॉर्ट में हमने आज ही चेक इन किया है, और अच्छा है काफ़ी, तारंगी नाम से है। और आज पचका हो गया एक हमारे साथ कि जो मेरा लगेज था उस
उसमें से आधा लगे किसी और की गाड़ी में चल गया, दो वो हमारी जान पहचान के मिल जाएगा, बट उसमें सारी मेडिसिन थी। चलो कोई नहीं, मिल तो जाएगा ही। और अभी पीयूष और सब निकल गए हैं रिवर साइड, सो मैं भी उनको ज्वाइन करने जा रही हूँ। और ये ऐसे नीचे जाके है हमारा जो कॉटेज है वो ऊपर है, ऐसा बना हुआ है। सभी मुझे पूल एरिया की तरफ बुला रहे थे, मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी रेडी वेडी होने में, और ये पूल साइड सारे बैठे थे तो वहाँ सबको ज्वाइन किया। ये इनका पूल एरिया था, हालांकि इसमें जा नहीं पाए, टाइम नहीं मिला पूल में जाने का, बट प्रॉपर्टी बहुत इंजॉय करी हमने ये भी, और काफ़ी अच्छा। ये इनका जो लाइट्स थी बहुत मुझे अच्छी लगा कॉन्सेप्ट, टोकरी के अंदर बल्ब लगाए हुए, और काफ़ी अच्छा था। और उसके बाद हम लोग गए भुवन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, उसका बर्थडे था तो वहीं पे लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स है तो हम वहीं पे चले गए उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। चल भाई लड़के, तेरा खुद का थोड़ी शूट होना है, तू तो काट चल स्टार्ट करो। अरे छुरी तो दे दो, छुरी से जिंदगी नहीं बढ़ती, मोमबत्ती से जिंदगी खत्म होती है। चल अच्छा फिलोसोफर, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। रात बहुत लेट सोए थे और लेकिन नींद अच्छी आई थी, और ये मेरी आंखें सूजी हुई हैं, और मैं ब्रेकफास्ट के लिए जा रही हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद ये हम जा रहे थे रिवर साइड देखने के लिए, काफ़ी बड़ी और अच्छी रिवर बनी हुई है। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो ये इनकी हट बनी हुई थी बट ये अंडर रेनोवेशन थी तो इसकी बुकिंग नहीं थी अवेलेबल, तो हमने नहीं ली, और ये हम रिवर साइड जा रहे थे। आराम से आना, मेरा हाथ पकड़ो। इतना प्यारा लग रहा है। ये व्यू है रिवर साइड हट। हाँ आराम से, आराम से पीछे नहीं ऐसे। हरिलाल पजामा ऊपर कर मेरा बेटा। हरिलाल प्लीज गो इनसाइड। हरिलाल वो रील के लिए गाने सेलेक्ट कर रहा है। ये हैं हमारे देसी बंदे, इतने अच्छे अच्छे रूम्स होने के बाद भी घास के ऊपर बैठे हुए है भुवन। हमारे देसी बंदे इतने अच्छे अच्छे रूम होने के बाद भी घास पे बैठे हुए, हम जमीन से जुड़े हुए इंसान है, डाउन टू अर्थ है हम लोग। हम सच में आंटी को देख पिल्लो लेके वही इतने लग्जरी बेड छोड़ के हम लोग घास पे सो रहे हैं। नहीं है चारू, मैं क्या इतने लग्जरी रूम्स लेके। थैंक यू। अरे एक और आ गए डीजे वाले बाबू, मेरा गाना चला दो डीजे वाले बाबू, मेरा गाना चला दो। La 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 la
ला 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 गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया वखरा सोवैगनी। ये तारंगी रिजोर्ट का दूसरा पार्ट था। पहले हम कॉटेज में रुके थे, कॉटेज नेक्स्ट डे के लिए अवेलेबल नहीं थी, तो ये हमने रूम्स लिए थे। ये भी काफ़ी अच्छा रूम था और लास्ट डे था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपको एक टूर दूँ यहाँ का कि कैसे बना हुआ है और इतना सुंदर। सो अभी हम जा रहे हैं, चेकआउट हो चुका है हमारा। शुक्र है भगवान और फिर शुक्र है भगवान का हम घर जा रहे हैं। शुक्र है भगवान का हम घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं। स्वीट होम। होम स्वीट होम। मीठा होम। मीठा। तो अब हम यहाँ से तरंगी से निकल चुके थे और अब हम जा रहे थे गुलरभोज डैम, जो कि उत्तराखंड में है, रुद्रपुर से पास पड़ता है और काफ़ी अच्छा डैम था। और ये हमारी सारी गाड़ियाँ निकल चुकी हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, डैम मज़ा आ गई यहाँ। तकरीबन 1.25 घंटे की ड्राइव थी ये जिम कॉर्बेट से, और मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे गई थी। ट्रस्ट मी, इतनी अच्छी जगह है, इतना बड़ा डैम और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी यहाँ पे। हमने भी बोटिंग वगैरह करी और खाने पीने के भी ऑप्शंस थे यहाँ पे, और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बहुत ही अच्छी जगह है, एक बार ज़रूर आइएगा यहाँ पे, आके बहुत अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पे ना जाने पीयूष को क्या हुआ, उन्होंने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया, पता नहीं क्यों डर रहे थे। आज लू है पानी 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 और दिन भी सानी 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 सानी। अब आएगी स्पीड नहीं तेज भैया, नहीं नहीं ज्यादा तेज नहीं भैया, बहुत ज्यादा यहाँ पे तेज वालों का। जब से बोट पे बैठे हैं सब अपने कैमरा लेके वीडियोस बना रहे हैं और फोटो खींच रहे हैं, और यहाँ पे पीयूष जी मेरे गालों को खींच रहे हैं। बहुत ठंडी ठंडी हवा थी और बड़ा रिलैक्सिंग लग रहा था, ऐसे लग रहा था पता नहीं हम कहाँ कौन सी दुनिया में आ गए हैं। चारों तरफ पानी ही पानी, पानी ही पानी। और मे बी ये क्लिप देख के मेरी मम्मी थोड़ी सी स्केर्ड हो जाए, क्योंकि उनको मुझे पानी की तरफ भेजते हुए डर लगता है, और वो डांटेंगे भी कि मैंने उनको बताया नहीं था कि मैंने ऐसे बोटिंग करी है, और वो बहुत घबरा जाएंगी। सॉरी मम्मी। डैम पे 2-3 घंटे अच्छे से बिता के हम लोग निकल चुके थे वहाँ से, और रात हो गई थी। अब बहुत तेज़ भूख लग रही थी हमें, तो हम देख रहे थे कोई अच्छा सा फैमिली रेस्टोरेंट या ढाबा हमें मिल जाए, जहाँ हम अच्छे से आराम से बैठ के रिलैक्स होके खा पी लें। तो लेट्स सी, आगे एक ढाबा आता तो है जो कि हरियाणा पंजाब ऐसे कुछ करके, हाँ हरियाणा पंजाब ढाबा, तो यहाँ पे हम लोग रुके और हम लोगों ने खाना खाया।
दिखाऊंगा उधर ना, वो देख रहा है लेकिन वो दिमाग में गाड़ी में उधर ही लग जाता है ना, फिर भी अब इसको मैप में डाल लो आप, अब तो मुरली सीधा ही आना है, अब हाईवे में नहीं है। मेरा कवर चेंज कराना मैंने फ़ोन का, रगड़े पड़ गए हैं फ़ोन पे। फाइनली हमारा ट्रिप एंड हो गया, अब हम बस दिल्ली पहुंचने ही वाले हैं। आई थिंक 30-35 किलोमीटर्स दिल्ली रह गया था और हम घर पहुंचे। घर पहुंच के तो जो घर का हाल था आप देख लीजिए, कितना ज़्यादा सारी चीज़ें फैली हुई थी, बुरा हाल था मेरे ड्राइंग रूम का। अभी घर में पूरा गंद बचा हुआ है, अभी फ्रेश ना होंगी, चाय वाय पियेंगे, कपड़े चेंज करेंगे, फिर सोएंगे और पूरा घर समेटने वाला हो रहा है। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और जल्दी ही न्यू व्लॉग्स के साथ आऊँगी। तब तक मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ डू लेट मी नो कि आपको कैसे लगे मेरे व्लॉग्स। Love you all. Bye. Good night.